गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे विजडम चैनल पर। आज सुबह का समय बारिश का हो रहा था, ठीक है, और मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम भी है। सुबह सुबह अगर बारिश हो जाए, खुशनुमा मौसम हो और उसके बाद दिन साफ हो तो उसके कहने ही क्या। सारा दिन रोड कीचड़ से और जो अव्यवस्थित आसपास के जो माहौल हैं उससे भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात मुझे करनी है कि किस प्रकार हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम जो है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे इस वर्षा के मौसम में मजबूत करें ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें, सर्दी बुखार या जो भी वायरल रोग होता है वायरस से उससे बचा जा सके। इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारे घर के आसपास ही जो इम्यूनिटी बूस्टर वनस्पति हैं उसका उपयोग हम डेली अपने भोजन में करेंगे। सबसे पहले जो घर पे जो तुलसी पत्ता होता है, करीब करीब सभी के घर पे होता है तुलसी पत्ता, उसका हम रोज़ सुबह शाम काढ़ा बना करके पी सकते हैं, ऐसे ही निगल सकते हैं, जो कि क्या है कि यह हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसके बाद देखते होंगे कि घर के आसपास ही गिलोय का लतर जो होता है वो गीला होता है, पान के पत्ते के जैसा होता है, उसका घर पर ला करके काढ़ा बना करके सुबह शाम पीजिए, आपको कोई भी वायरल सर्दी खांसी जुकाम कोरोना कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आता है दालचीनी मसाला होता है, ये भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है, हम अपने सब्जी में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। हल्दी है, हल्दी को अगर हम लोग अपने दूध के साथ सेवन करते हैं तो इससे शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो सभी के सभी बाहर आ जाते हैं, खून पतला हो जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक जितना भी सिस्टम है शरीर के अंग तंत्र वो सभी सुचारू रूप से काम करें, ठीक है। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर पे या हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हम चूँकि अभी युवा हैं तो हम उनका पूरी तरह से ध्यान रखें और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में अपना योगदान दें। और ये तभी हो सकता है जब हम जागरूक होंगे। हाँ, ये भी हमारा कर्तव्य है कि जो जागरूक नहीं है, मान लीजिए कि जो अशिक्षित है, हमको पता है कि बिहार में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है, फिर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, तो जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक किया जाए। जो रोड पे ऐसे ही निकल जा रहे हैं इस कोरोना महामारी के समय में, वो अपने लिए या साथ साथ अपने परिवार के लिए बहुत बड़े खतरे हैं, तो उनको सलाह दीजिए, आप उनको बताइए कि इस तरह का जो व्यवहार है वो समाज के लिए एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चार्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर, ठीक है, जो बिना मास्क के ऐसे ही निकल जा रहे हैं। अपने तो संक्रमित होंगे ही, साथ पास साथ अपने पूरे परिवार को, अपने मोहल्ले जिस दिन से भी मिलेंगे उन सभी को वो संक्रमित कर देंगे। तो हमको चाहिए कि अच्छा से अच्छा भोजन करें,